Good morning. Last year ago, marks were distributed to the student and higher teacher in Devipat Chaudhary Memorial Secondary School on behalf of Mahila School erstwhile Student Society. On this occasion, the former student comes executive member of the school, Dr. Naveen Chandra Prasad, Director, Head of Health Department, Government of Bihar, made of the students aware of the prevention of epidemic like corona. On this occasion, the school principal, Mrs. Leelavati Kumari, and other teachers and staff got full cooperation. Society President Engineer Deepak Ratna, Secretary Engineer Ravindra Kumar Sinha, Treasurer Shri Dilip Kumar, Executive Member Engineer Vinod Kumar Sahai, besides Shri Deepak Prasad Sinha, Shri Ashwini Kumar, Shri Ravi Kumar, Shri Ravi Shankar Srivastav, Shri Rajkumar Nirala, Shri Rakesh Sinha was also present. In the society will organize various program in the school in future also. Make this program successful. There was the cooperation Engineer Rajesh Chandra Jha, Dr. Ajay Manav and Ambuj Kumar. Let's take a look at this program. मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की वतन नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की वतन नाज करे, वो नजर देख करूं कद्र हर एक मजहब की, वो नजर देख करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाज करे, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाज करे, मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, उसको फूल बना हमेशा की तरह। देवीपत चौधरी शहीद स्मारक मिरर उच्च माध्यमिक विद्यालय में समय अनुसार प्रार्थना हुआ और राष्ट्रगान भी किया गया। मिलर स्कूल पूर्ववर्ती छात्र सोसाइटी के सदस्यों ने भी इसमें अपनी सहभागिता दिखाते हुए अपने पुराने दिनों की याद ताजा की। आज एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में तुम लोगों के लिए मास्क का वितरण इन लोगों के द्वारा किया जाएगा और कुछ चंद शब्द आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये लोग रखेंगे, जिसको ध्यान से आप सुनिएगा और कतार में ही खड़ा रह करके मास्क जो वितरण किया जाएगा वो आप लेंगे, उसके बाद क्लासरूम में जाएंगे। प्रति छात्र आदरणीय श्री नवीन जी जो चीफ डायरेक्टर इन चीफ है अभी, वो आपको संबोधित करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन, और ये कितनी खुशी की बात है कि मैं यहीं का विद्यार्थी रहा हूँ और पास किया। अपने शिक्षकों की कृपा से मैं यहाँ पर पहुँचा, इसलिए हर एक विद्यार्थी का यह पुनीत कर्तव्य है कि अपने शिक्षकों का सम्मान करें
और शिक्षक जो भी आपको बतावे हमेशा आपके भले के लिए बतावेंगे, ये ध्यान रखना है। किसी भी शिक्षक का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चे जो उनके होते हैं, अपने पुत्र या पुत्री के समान होते हैं, उनकी जो भी बातें हैं, भावनाएं हैं, उनका आदर करें, पालन करें। और ये तय है कि आप जीवन में सफलता परिश्रम से मिलती है, लेकिन शिक्षक का आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद उससे ज़्यादा बड़ा है आपके परिश्रम। यह खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ, और कोरोना जैसे महामारी के बचाव के लिए ही आज हम लोग कुछ बात करेंगे। ये हम लोग को हमेशा पढ़ाया जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, माने कोई बीमारी हो उसको इलाज करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको प्रिवेंट करें। और संयोग से कोरोना जो पिछले दो वर्षों से पूरे मानवता को आक्रांत कर रहा है, इसका कोई भी निश्चित दवा नहीं निकली है, इसलिए प्रिवेंशन ही इसमें एक तरह से इलाज माना गया है। और प्रिवेंशन बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात की क्या करना है। पहला चीज़ तो स्वच्छता की होती है, स्वच्छता हर समय उपयोगी है और हर बीमारी से बचाव के लिए उपयोगी है, इसलिए यहाँ भी स्वच्छता की बात की जाती है कि जब भी आप बाहर से लौटें अपने घर में जाएं, साबुन से या जो आजकल हैंड वॉश है उसे अच्छी तरह से धोएं। और हाथ धोने का मतलब अच्छी तरह से धोना है, केवल साबुन लगे तो नहीं, पूरा स्प्रे से करना है, इसको ये करना है, इसको ये जो आदत है आपको हमेशा पूरे ज़िंदगी भर। दूसरा है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, स्कूल है उतना कठिन है लेकिन फिर भी दूरी बना के रखने से रोगी की संक्रामिकता कम हो जाती है, जो एक बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसका मात्रा निश्चित रूप से कम हो जाता है। और कोरोना आप जैसे जानते हैं कि ये सांस की बीमारी है, ये सांस से लोगों में करता है, इसलिए मास्क का प्रयोग करना है। ये जो वायरस है शरीर में दो तीन जगह से प्रवेश करता है, चमड़ा से नहीं प्रवेश करेगा, लेकिन चमड़ा को अगर हम लोग दूसरी जगह इस्तेमाल करें तो वो स्थान है आँख, नाक और मुँह। तो आँख को तो ढक सकते नहीं है, इसलिए आँख को तो खुला ही रखना है, लेकिन नाक और मुंह को जब जरूरत नहीं हो तो निश्चित रूप से ढक सकते हैं। और मास्क का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो हम लोग मास्क का प्रयोग करें, केवल भोजन करते समय ही मास्क को हटाएं, बातचीत आप बिना मास्क के भी, बिना मास्क लगाए हुए भी कर सकते हैं। इसलिए इतनी छोटी छोटी बातें हम लोगों को इस बड़े महामारी से, ये समझ लीजिए कि मानवता पर ये बहुत ही बड़ा एक ताजा श्राप है, इतने लोग मरे और अभी भी बीमारी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका का जो आज समाचार आ रहा है कि 1.5 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ इस बीमारी से बीमार पड़ रहे हैं, इंग्लैंड में मृत्यु हो रही है, रूस में मृत्यु हो रही है। हम लोग यहाँ संयोग से हम लोग यहाँ जो टीकाकरण हो रहा है, चाहे हम लोग का अपना जो रहन सहन है, हम लोग का जो खान पान है, खान पान का मतलब कि जितने भी मसाले हैं जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं, ये मसाले सभी औषधीय गुण के साथ हैं। और ध्यान दीजिए कि हम लोग अपने भोजन में मसाला का प्रयोग बहुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो बचा रहा है। तो इतने बड़े आबादी में, इतना पुअर हाइजीन में भी हम लोग बचे हुए हैं, तो हम लोगों का रहन सहन का रोल, तो मास्क एक अभी अनिवार्य चीज़ है। जब तक इस सरकार में निर्णय नहीं करें और हम लोग का एक बहुत ही छोटी सी सहयोग है कि हम लोग के पास कुछ मास्क है, आप लोग को दे रहे हैं। और आप स्वयं नहीं, देखिए आप समाज में आप संवाद फैलाने वाले लोग हैं, आप जो भी बात करेंगे तो आपकी बातों को लोग सुनेंगे, इसलिए स्वयं भी मास्क का प्रयोग करें और लोगों के बारे में भी इसकी उपयोगिता को बतावें। ये इतनी छोटी छोटी बातों से, इतनी बड़ी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें अपने स्कूल में कुछ करने का मौका दिया, धन्यवाद।
इस अवसर पर मिलर स्कूल पूर्ववर्ती छात्र सोसाइटी के सभी लोगों की सराहना करते हुए विद्यालय प्राचार्य श्रीमती लीलावती कुमारी ने मास्क के वितरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। मास्क लगाना, दूरी का पालन करना और साफ सफाई बहुत जरूरी है। मास्क वितरण के साथ ही मिलर स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र सोसाइटी की मैं प्रशंसा करती हूँ कि इन्होंने बच्चों में जागरूकता लाने का बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और इस स्कूल से हमने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की और इंजीनियरिंग में गए और आज हम लोग रिटायर करके इस स्कूल को याद कर रहे हैं। किसी स्कूल का देन है कि हम लोग इंजीनियर बने। देखिए, इस विद्यालय से हम लोग का एकदम अपना ऐसा संबंध था। हम लोगों ने इस विद्यालय को अपना लिया। हम लोग इसी विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू किए हैं और इस विद्यालय को हम लोगों ने अपनाया है। अतः आप छात्रों से मेरा अनुरोध है, कोरोना संबंधित जो भी हम लोगों ने जानकारी आपको दी उसको फैलाएं और आप खुद पढ़ें लिखें और हमसे आगे बढ़ें। धन्यवाद। अगर तीन चीज़ों को फॉलो करे तो यहाँ आने वाले इस तरह का भी कोई भी विपदा वो लोगों को नहीं परेशानी होगी। तो पहला हो गया मास्क, दूसरी हो गई दो गज की दूरी, हाथ की अच्छे तरीके से साफ सफाई। मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं 11 क्लास की छात्र हूँ। जैसा कि अभी सराहे थे, इससे पहले जो इस स्कूल के वो हमें बताएं कि मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, घर जाने के बाद हमें साबुन या हैंड वॉश से हाथ धोना चाहिए। क्यों जरूरी है मास्क? मास्क हमारे प्रोटेक्शन के लिए, कोविड से बचने के लिए हमें मास्क जरूरी है और हम अपने भी बचने के लिए और हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं सारे वो लोग को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम मास्क लगाएंगे, अगर हम कुछ सर्दी जुकाम हो गया तो हमारे बगल में जो बैठे उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। मास्क लगा के रहेंगे और सैनिटाइज़र भी समय पर हमें यूज़ करना है। बहुत अच्छा। आज कार्यक्रम जो हुआ, अभी मास्क वितरण हुआ, पूर्ववर्ती छात्र लोग थे जो इसमें पहले पढ़ चुके थे उनके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, कैसा लगा? हाँ, कार्यक्रम तो हमें बहुत अच्छा लगा, मास्क भी मिला हम लोगों को। सब हमारे स्कूल में सब अभी अवेलेबल है मास्क के पास, तो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधिका कुमारी है और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम कृष कुमार है और मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ, मैं सेक्शन बी है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आज हम लोग के बीच सर आए हैं तो हम लोग को मतलब मास्क का वितरण किए हैं और जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी बातें भी मतलब सिखाई गई हैं हम लोग को कि मतलब कैसे कोरोना से मतलब बचना उचना है, ऐसे मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई है। तो सर लोग भी जैसे कि यहीं से पढ़ कर निकले हैं मिलर हाई स्कूल में से, इसीलिए हम लोग भी ने मतलब सोचा कि मतलब सर लोग से भी मतलब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ कर मतलब सर लोग के मतलब सामने जब जाएंगे तो सर लोग को भी कुछ अच्छा मतलब फील होगा, इसीलिए मैं भी हम लोग भी चाहते हैं, पूरे स्टूडेंट विद्यार्थी चाहते हैं कि हम लोग भी मतलब कुछ आगे जब फ्यूचर में मतलब कुछ अच्छा काम करें, इसलिए मैं धन्यवाद करूँ। मास्क है जरूरी, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी।